बावजूद भी बिहार में दरकले के अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिसका इसका खुलासा अयोध्या में हुआ है। हरियाणा के बिहार जा रही शराब अयोध्या के रनौनी क्षेत्र के पकड़ी गई है। रनौनी क्षेत्र के मन्नत ढाबा के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक होंडा का सिटी कार पकड़ी है, जिसमें कौशिना प्राइम ब्रांड की 180 AML की और 1220 शीशी पकड़ी गई है। ये शराब हरियाणा की बनी हुई है और बिहार में अवैध रूप से बिकने जा रही थी। शराब की कीमत लगभग 1 लाख बताई जा रही है। बताते चले कि बिहार के शराब प्रतिबंध के इसके बावजूद भी हरियाणा से बिहार में दरकले अवैध शराब के सप्लाई की जा रही है, जिसमें पहले भी अयोध्या में कई बार हरियाणा के बिहार से शराब पकड़ी जा चुकी है। और पकड़ी गई होंडा सिटी कार के उत्तर प्रदेश के बिहार के फर्जी नंबर प्लेट भी लगाई गई थी। ये गाड़ी है जिस स्टेट से गुजरती है उस स्टेट के फर्जी नंबर प्लेट लगा लेती है, ताकि पुलिस समझे कि लोकल गाड़ी है। और उसके जाने के लिए मुखबरी की सूचना पर अयोध्या के पुलिस ने आज होंडा सिटी कार अवैध शराब को पकड़ लिया है। और पकड़ा गया अभियुक्त अमित हरियाणा जींद का रहने वाला है। उसी दौरान एक होंडा सिटी कार जो लखनऊ की तरफ से फैजाबाद की तरफ आ रही थी, ये गाड़ी पुलिस को देखते ही अप्रत्याशित रूप से तेज़ी से भागने लगी। और इसको जब पीछा किया गया तो ये गाड़ी मन्नत ढाबा के पास डिवाइडर से टकरा गई और पुलिस तत्काल वहाँ पहुँच करके इस गाड़ी को कब्जे में लिया गया और इसकी तलाशी ली गई। और मौके से गाड़ी में ही एक अभियुक्त जो हरियाणा का रहने वाला है, जिंद जिले का, अमित कुमार पुत्र महावीर सिंह, उसको पकड़ा गया, उसको गिरफ्तार किया गया। और गाड़ी की तलाशी में कुल मिलाकर 390 लीटर से अधिक हरियाणा निर्मित शराब बरामद की गई और ये एक महत्वपूर्ण सफलता है। और गाड़ी को और उस अभियुक्त को और ये समस्त जो शराब की शीशियाँ बरामद हुई हैं, इन सबको कब्जा पुलिस में लिया गया। और इसमें इस गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगे हुए थे, ये उत्तर प्रदेश की सीमा में इसमें यूपी के नंबर प्लेट लगाए गए हैं और बिहार में बिहार के नंबर प्लेट भी इसमें। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।